हेलो एवरीवन, सो क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विस का आईपीओ आया हुआ है और इसका लास्ट डेट है आपके पास 18th of March। तो ये अभी तक कितना सब्सक्राइब हुआ है, क्या कंडीशन है, क्या इसका स्टेटस है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज का जो ये आईपीओ है, इसका जो लॉट साइज है वो 20 शेयर्स का लॉट साइज है। प्राइस रेंज जो है वो 680 से 715 का प्राइस रेंज है। इन्वेस्टेड अमाउंट जो होगा मिनिमम 13,600 के आसपास आपको इन्वेस्ट करना होगा। एंड इसका जो बिडिंग है वो 14 से 18 मार्च है। तो ये अभी हम लोग लास्ट डेट पे चल रहे हैं। इशू साइज है 300 के आसपास का इशू साइज है। अगर आप इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करेंगे, अभी तक इसमें कितने सब्सक्राइब हुए हैं, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो है वो उसमें 0.33x के आसपास सब्सक्राइब हुए, 33% के आसपास सब्सक्राइब हुए हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल 43% एंड 34% रिटेल इन्वेस्टर एंड टोटल 36%। तो ये 100% सब्सक्राइब नहीं हुआ है। तो इसमें अगेन लिस्टिंग के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 100% सब्सक्रिप्शन नहीं है। पर अगेन 100% सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं है ये भी आपको जानना चाहिए। तो इसके फाइनेंसेस, इसके स्टडीज थोड़े अपने लेवल पर भी आप इसको चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरा ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। चलिए ये जानते हैं कि एक्चुअली करता क्या है, इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। तो क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विस जो है वो फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है हेल्थ केयर को, एजुकेशन को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट एंड गवर्नमेंट म्यूनसिपैलिटी बॉडीज में, एंड B2B मॉडल में ये काम करते हैं। ठीक है, B2B मॉडल में काम करते हैं। एंड ये कंपनी एज ऑफ 30 सितंबर 2023 तक इसने एक्चुअली अभी तक 135 कॉलेजेस, हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज, 228 स्कूल्स एंड कॉलेज एंड 30 मेट्रो स्टेशंस में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है। टोटली जो ट्रेन एंड ट्रेवल्स की सर्विसेज है वो 198 सर्विसेज में अभी तक इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। एंड फाउंडेड ये एक्चुअली 24 ईयर्स पुरानी कंपनी है। नीता प्रसाद लाज जो है इनके मैनेजिंग फाउंडर है। और अगर आप इसके स्ट्रेंथ एंड रिक्स के बारे में थोड़ा सा अगर आप देखें, तो कंपनी का फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, रिस्पेक्टिवली कंपनी ग्रोथ की है। अगर फाइनेंस के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है। लाइक 2021 में रेवेन्यू 471 था एंड 2023 में रेवेन्यू 708 करोड़ के आसपास इंक्रीज हो गया। अगर हम लोग एसेट की बात करें तो कंपनी का जो एसेट है वो भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है आपको। तो एसेट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एसेट भी इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों हो रहा है अभी तक के लाइफ में। एंड प्रॉफिट रेशियो की अगर स्पेसिफिकली बात करें, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट रेशियो की, तो प्रॉफिट आप देख रहे हैं कि 16 से 34 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जंप हुआ है 2021 से 2023 तक। तो ये जो फंडामेंटल है वो आपको समझना चाहिए। अगर हम इसके कैटेगरीज की बात करें सिर्फ और सिर्फ, तो रेगुलर कैटेगरीज में जो प्राइस बैंड है वो 2 लाख के आसपास है और HNI में 2 to 5 लाख के आसपास इसकी कैटेगरी है। तो ये था क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विस। इसके बारे में आप थोड़ा सा और स्टडीज़ कर लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, स्टे ट्यून्ड।